सहारा इंडिया ने बिहार के लाखों निवेशकों को बहुत बड़ा झटका दिया है। बजाबता अखबार में विज्ञापन छापकर कहा गया है कि निवेशकों का जमा पैसा अभी नहीं लौटा सकते, इंतजार करना होगा, लेकिन कितना यह नहीं बताया गया है। सहारा इंडिया ने ऐसा कर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के प्रयासों को चुनौती भी दे दी है। मोदी पिछले एक सप्ताह से सहारा मामले में कड़ा स्टैंड लिए हुए थे। निवेशकों का पैसा न लौटाने की शिकायतों पर बिहार भर में सहारा इंडिया के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे थे। सहारा इंडिया ने अभी पैसा न लौटाने की बात आज 25 अगस्त को पटना से प्रकाशित हिंदुस्तान में विज्ञापन छपवाकर कही है। सहारा का कहना है कि निवेशकों का पैसा लौटाने को पैसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और सेबी का भी झमेला है। 20,000 करोड़ की परिसंपत्ति होने का दावा जरूर किया गया है, लेकिन इसके साथ यह भी कहा गया है कि अभी बेचकर अथवा गिरवी रखकर निवेशकों का भुगतान संभव नहीं हो पाएगा। सहारा इंडिया ने विज्ञापन के माध्यम से बिहार के निवेशकों को डरा भी दिया है। प्रकाशित विज्ञापन का टोन ऐसा है जो ये कहता है कि जिनका पैसा जमा है वे चुपचाप बैठे रहें, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करें, शांति से बैठे रहेंगे तो भविष्य में जमा पैसे का भुगतान संभव है, देरी का ब्याज भी दे देंगे। सहारा इंडिया के भुगतान के इनकार का आज प्रकाशित विज्ञापन असल में बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी के गंभीर होने का नतीजा है। मोदी के पास जब पैसा वापस न लौटाने की शिकायत बड़ी संख्या में पहुंची तो वे सीरियस हो गए, बैठकें की, सहारा इंडिया को भुगतान करने को चेताया, न भुगतान करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। प्रशासन ने एक्शन भी स्टार्ट कर दिया। इस एक्शन से निवेशकों के पैसे वापस लौटाने की आस जगी थी, लेकिन अब सुशील कुमार मोदी के प्रयासों को धत्ता बताने को सहारा इंडिया ने बजाबता विज्ञापन ही प्रकाशित कर दिया है। निश्चित तौर पर इससे बिहार के निवेशक और भी परेशान होंगे। बिहार के निवेशकों की कई 100 करोड़ राशि सहारा इंडिया में फंसी है। इनमें 90% से अधिक राशि कामगार तबके के लोगों की है जो डेली सेविंग से कुछ न कुछ बचा कर सहारा इंडिया के एजेंट के पास जमा करा देते थे। अब ऐसे लोगों को अपनी जमा राशि साफ तौर पर डूबती हुई दिखाई पड़ रही है। पटना से लाइव सिटीज की रिपोर्ट।